नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डेलीशियस डायरीज में। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नया आइटम बनाने जा रहे हैं। ये मैंने ले लिए है तुअर दाना है ये। इसे तुअर दाना, लीलवा या पीजन पीस, चाहे जो भी कहिए, ये इससे बनने वाला आइटम है। ये मैंने फलियाँ रहती है इसकी मटर के जैसी, ये मैंने छील लिए हैं, इसके दाने निकाल दिए हैं। ये एक बाउल भरते हैं, ये हम लोग मिक्सर में लगाने वाले हैं। ये मैं मिक्सर में डाल रही हूँ। इसका हमें एक दरदरा सा मिक्सचर बनाना है, दरदरा सा पेस्ट बनाना है इसका। ये एक कटोरी डाल दिए हैं। अब इसी में हम लोग ये 3 से 4 हरी मिर्च ली है मैंने, ये डाल देंगे। ये अदरक का टुकड़ा है, काट दिया है मैंने इसे। ये हरी धनिया है, ये भी हम इसी में डालेंगे ताकि हमें अलग से कुछ करना ना पड़े, डबल काम। तो मैं अब ये मिक्सर में लगा देती हूँ। हम लोग इसे एक दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह पीसना है हमें, बहुत बारीक नहीं किया है मैंने, दरदरा सा रखा है इसे। अब हम इसे निकाल देंगे। अब इसका सीजन है, अभी ये बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, ये बहुत आसानी से अवेलेबल है सब तरफ। और ये इसका जो मैं आइटम बना रही हूँ, ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। ये प्याज काटी हुई है मैंने, एक बड़ी प्याज ले ली है। ये सूजी ली है मैंने, 2 चम्मच भर के है। ये बेसन लिया है, ये ऐड करेंगे, ये भी 2 चम्मच भर के है। ज़रूरत लगेगी तो हम और डालेंगे इसमें। ये जीरा है, इसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे। ये नमक है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सब। पहले हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स एक बात और, ये मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, इसे भी गरम करने रख देते हैं तब तक के, ताकि हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाए, तब तक के ऑयल भी गरम हो जाएगा। ये मैं हाथों से मिक्स करती हूँ ताकि हमें इसमें पानी का भी अंदाज़ा आ जाएगा, पानी डालना है नहीं डालना है समझ जाएगा। इसमें आप मिर्ची आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिए, आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो मिर्च का मेजरमेंट बढ़ा दीजिए इसमें। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है, ये हमें इसी तरह चाहिए है। चलिए, अब हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसे इसके पैटीज बनाइए, इसके बॉल्स बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके इस तरह गोल गोल पैटीज बना रही हूँ। आपको जिस तरह भी शेप अच्छा लगे, ट्रायंगल लगे तो ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, जैसे भी आपको आसान लगे उस तरह से बना लीजिए। ये मैं बना के रख रही हूँ, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इसे डाल देंगे ऑयल में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पैटीज बनकर तैयार हो चुके हैं। ये इधर ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम ये एक एक पैटीज डालते जाएंगे ऑयल में। फ्रेंड्स, आप ये सुबह के नाश्ते में बनाइए, गेस्ट आ जाए तो उनके लिए बनाइए नाश्ते में, आप कभी भी बना सकते हो इसे। 4 बजे की चाय के साथ बनाइए।
शैलट के परेखे हुए हैं, अच्छा क्रिस्पी हो जाए तब तक के इसे फ्राई करेंगे। अभी सर्दियों का सीज़न है, ऐसे गर्मा गर्म चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर फ्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स एकदम क्रिस्पी करारे हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे ऑयल से। ये मैंने पेपर नैपकिन ले लिए हैं, इस पर निकाल देंगे ताकि ऑयल सारा ये सोक कर लें। ये इस तरह मैं ये सेकंड बैच भी कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये सारे तलकर रेडी हो चुके हैं, बहुत बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम इस तरह बने हैं, ये एकदम ग्रीन कलर आया है अंदर से, बहुत टेस्टी भी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसान है बनाने में। मैं ये प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पैटीज बनकर रेडी हो चुके हैं, मैंने इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप चाहो तो इसे सॉस के साथ खाइए, दही की चटनी, ग्रीन चटनी, चाहे जिसके भी साथ खाइए या ऐसे ही खाइए, बहुत अच्छे बने हैं ये फ्रेंड्स। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।